सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेलोसिटी डायग्राम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन अ 4 बार चेन ए बी सी डी, ए डी इज़ अ फिक्स लिंक एट द डिस्टेंस है 150 mm लॉन्ग। उसके बाद क्रैंक ए बी दिया आपको, देखिए क्रैंक ए बी दिया आपको 40, ये जो ए डी है उसका डिस्टेंस है 150, एक ऐसा है फिक्स है। उसके बाद आपको दिया है बी सी 150 mm, उसके बाद आपको सी डी दिया है 80 mm। सो ऑल द डायमेंशंस आर इन mm। सो आपको जब आप ड्रॉ करोगे स्पेस डायग्राम सबसे पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो mm में जो डिस्टेंस दिया है उसको आपको करना कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मान लो अगर 40 mm है तो उसका डिस्टेंस पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, उसके बाद 150 को भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखो पहले कि आपको आरपीएम किसका दिया हुआ था, आपको आरपीएम दिया है क्रैंक ए बी का, ठीक है। मतलब ए जो आपका 40 mm वाला जो डिस्टेंस है ए बी, उस क्रैंक का आपको क्या दिया है आरपीएम दिया है, वो कितना है 120 RPM। उसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया है उसको क्लॉकवाइज का, ठीक है। डायरेक्शन भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या दिया आपको, एंगल दिया है, एंगल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बी ए डी का एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। मतलब बी ए डी उसके बीच में एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसका स्पेस डायग्राम, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करेंगे, पहले गिवन डाटा मार्क कर देंगे। जैसे गिवन डाटा है पहला एन बी ए 120 RPM, मतलब लिंक जो ए बी है उसका आरपीएम कितना दिया आपको 120 RPM दिया है, ठीक है। सो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा, ठीक है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ओमेगा बी ए इज इक्वल टू 2π n/60, तो अपना फार्मूला रहता है एंगुलर वेलोसिटी का। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और उसका क्या है एंगुलर वेलोसिटी भी 12.56 rad/s। ये पहले लिंक का हो गया ए बी का, ठीक है। अभी हम इससे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट कितने फिक्स है, ए और डी दो पॉइंट फिक्स है, ठीक है। सो हम इसको अभी स्मॉल लेटर से शो करते हैं, ए और डी ये दोनों पॉइंट कैसे यहाँ पे फिक्स है। उसका डायरेक्शन कैसे है, क्लॉक वाइज, इसलिए अपनी वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अभी लिंक ए बी का डिस्टेंस कितना है अपना 12.56, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिंक ए बी है उसको आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मतलब ए बी को मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर को स्केल से पैरेलल लेते हुए यहाँ से यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है। कितना करोगे आप, वो करोगे आप 12.56 rad/s, ठीक है। मतलब ए टू बी वो लाइन कैसे रहेगी, इस फैक्टर को वो लाइन कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 12.56। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होता होगा तो आपको स्केल एडजस्ट करनी पड़ेगी, आप हाफ स्केल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ए तो लिंक ए बी के बारे में होगा, अभी आपके सेकंड जो लिंक रहेगी वो कौन सी रहेगी, बी सी रहेगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बी सी जो लिंक है उसको भी यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम सी डी के लिए भी यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बी सी ए से बी तक हो गया, हम ए से बी तक आ गए। अभी बी से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सी के पास, उसके बाद आपको आना पड़ेगा डी के पास। अभी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको आपको सीधा पैरेलल लेके जाना है बी पॉइंट तक, ठीक है, बी पॉइंट तक। और बी से सीधी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी आपको बी सी का डिस्टेंस पता नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लो, कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सी डी है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसको भी पैरेलल लेके ए टू सी को क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। और जो इंटरसेक्ट लाइन रहेगी उसको आपको शो करना है पॉइंट सी से, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी बी, ये हो गया वेलोसिटी सी बी, और ये हो गया वेलोसिटी सी डी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसका जो वेलोसिटी है उसको क्या करना है, स्केल से मेजर करना है, ठीक है। अभी स्केल से मेजर करने के बाद जैसे देखो यहाँ पे वेक्टर वी बी ए, मतलब ए जो पहला जो वेक्टर है, ठीक है, उसका वह कितना है 0.503, ठीक है। उसके बाद जो सी डी है, सी डी उसका कितना है डिस्टेंस 0.385, मतलब ए जो डिस्टेंस है 0.385, और जो बी सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.503 m/s। ये वेलोसिटी हो गई, मतलब आपको ए बी की भी पता चल गई, सी डी की भी पता चल गई, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा उसने, एंगुलर वेलोसिटी लिंक सी डी का,
मतलब लिंक सी डी की आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा सी डी इज इक्वल टू वेलोसिटी सी डी अपॉन सी डी। ओके, तो वेलोसिटी सी डी कितना है, 0.385। इसके बाद डिस्टेंस कितना रहता है, 80 mm, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा वो, 0.08 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना है आपका, 4.8 रेडियन पर सेकंड। दिस इज योर आंसर।